मेरा नाम उस्मान है एंड वेलकम टू लास्ट फाउंडेशंस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में दो हिस्सा होता है, ठीक है? क्या रहता है? एक होता है सेक्शनल व्यू और एक होता है नॉन सेक्शनल व्यू व्यू, ठीक है? तो हम लोग दो चीज़ों में से कभी एक चीज़ देखने वाले फिलहाल। डस्टर छान दो, छोड़ो। इन दोनों में से कौन सा पहले देखने वाले हम लोग? सेक्शनल व्यू। कौन सा? सेक्शनल, नहीं सेक्शनल नहीं, नॉन सेक्शन देखते हैं पहले। ये हो जाएगा तो सेक्शनल व्यू आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है? तो नॉन सेक्शनल व्यू देखने वाले अपन। इसमें भी क्या रहता है कि आपको दो चीज, दो मेथड होते हैं। कौन से दो मेथड होते हैं? एक होता है फर्स्ट एंगल और एक होता है थर्ड एंगल। कौन सा दो मेथड होता है? फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल मेथड में होता क्या है तो वो बताता हूं मैं, ठीक है? फर्स्ट एंगल क्या होता है, थर्ड एंगल? तो फर्स्ट एंगल में फर्स्ट एंगल मेथड में क्या होता है कि आपको एक ऑब्जेक्ट का, पहली बात, हर एक मेथड में आपको ये चीजें बनानी है। कौन सी? फ्रंट व्यू, इसको हम लोग बोलते हैं एफ डॉट वी, ठीक है? और एक होता है टॉप व्यू, इसको बोलते हैं टीवी। एक होता है लेफ्ट हैंड व्यू, इसको बोलते हैं एल एच वी। एक होता है राइट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ डायरेक्ट, आर एच वी। ये होता है राइट हैंड व्यू, ठीक है? ये चार चीजें होती है। बट आपको कोई भी सम में अगर दिया होगा तो कोई भी तीन चीजें बनानी, कोई भी मतलब कोई भी नहीं, मतलब मेरा मतलब था कोई भी मतलब एक दो, ये दो तो बनानी ही है और तीसरा क्या रहता है, इन दोनों में से कोई एक बनाना। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों मेथड में, ये दो व्यू कंपलसरी है, बट थर्ड व्यू डिपेंड करता है आपके ऑब्जर्वर पे। किस पे डिपेंड करता है? आपके ऑब्जर्वर पे। वो बताता हूँ कैसे, ठीक है? तो फर्स्ट एंगल मेथड में क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट, ऐसा समझो दिया है, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है? आइसोमेट्रिक व्यू दिया रहेगा ऑब्जेक्ट का, ये आइसोमेट्रिक व्यू इसको बोलते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, आपको अगर बोला है कि भाई आपका ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, तो सुनो, ऑब्जेक्ट का दो साइड्स होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। राइट साइड पे राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आपका ऑब्जर्वर राइट साइड पे खड़ा है, राइट साइड पे खड़ा है, तो लेफ्ट हैंड साइड खाली है ना। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दिया है, ऑब्जर्वर ऐसा इधर खड़ा है, मतलब राइट हैंड साइड पे खड़ा है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड खाली होगा, मतलब आपको कौन सा व्यू मिलेगा? लेफ्ट हैंड व्यू मिलेगा। कौन सा व्यू मिलेगा? लेफ्ट हैंड व्यू मिलेगा। बट अगर यही चीज में चेंज कर दूं, चेंज मतलब अगर मेरा ऑब्जर्वर लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा है, तो मुझे कौन सा व्यू मिलेगा? मुझे मिलेगा राइट हैंड व्यू। कौन सा व्यू मिलेगा? राइट हैंड व्यू। समझाइए। अब पहली बात कि फर्स्ट एंगल मेथड में फ्रंट व्यू क्या, मतलब अभी फ्रंट व्यू की भी बात होनी थी ना, फ्रंट व्यू क्या होता है? तो फ्रंट व्यू क्या होता है, अगर मेरा ऑब्जर्वर यहां खड़ा है तो ये देखेगा, स्टार्टिंग में क्या करेगा, देखेगा सामने, देखा तो जो उसको सामने दिखेगा वो क्या होगा, उसका फ्रंट व्यू। वो क्या होगा? उसका फ्रंट व्यू। मैंने क्या बोला था, अगर आपका ऑब्जर्वर लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा है तो उसको राइट हैंड व्यू मिलेगा ना। कौन सी साइड पे? राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड व्यू कौन सा होता है? यहाँ अगर आपका ऑब्जर्वर खड़ा है तो वो देखेगा ऐसा, यहाँ से देखेगा। क्वेश्चन में ये दिया है राइट हैंड व्यू देखने के लिए आपको यहाँ खड़ा करना पड़ेगा आपके ऑब्जर्वर को, और जो व्यू यहाँ से दिखेगा वो कौन सा होगा? राइट हैंड व्यू, ये वाला। और फिर अपने ऑब्जर्वर को ऊपर खड़ा कर दो, तो ऊपर से जब वो नीचे देखेगा तो उसको ये वाला व्यू दिखेगा। कौन सा? ये वाला। तो इसको हम लोग बोलेंगे टॉप व्यू। कौन सा व्यू? टॉप व्यू।
याद रखो मैंने इधर अंडरलाइन क्यों किया है और एरो क्यों दिखाया, इधर नहीं दिखाया एरो और अंडरलाइन नहीं किया है, क्योंकि मेरा ये पोजीशन जो था वो इनिशियल पोजीशन था, मतलब यहाँ से ऑब्जर्वर स्टार्टिंग में खड़ा था, तो उसको जो चीज़ सामने दिखेगी वो होगी उसकी फ्रंट व्यू, बाकी सब पे उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे बाद में, समझा। क्वेश्चन में आपको ये जगह दी रहेगी पहले से, मतलब आपको इस रेफरेंस से बताना है कि आपको कौन सा साइड मिलेगा स्टार्टिंग में। देखो यहाँ पर ये कौन से साइड पे खड़ा था, लेफ्ट हैंड साइड में मिला खड़ा था, लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा था, तो हम लोग को राइट हैंड साइड पे क्या मिला उसका, राइट हैंड व्यू मिला। बट अगर यही चीज वापस से बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, अगर यही चीज अगर आपका ऑब्जर्वर पहले ही यहाँ खड़ा होता, पहले ही यहाँ खड़ा होता, तो आपको क्या मिलता, आपको मिलता ये राइट हैंड साइड पे खड़ा है ना, तो आपको कौन सा व्यू मिलता, लेफ्ट हैंड व्यू मिलता, कौन से साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, समझा। यहाँ पर कहाँ खड़ा था मेरा ऑब्जर्वर, यहाँ नहीं खड़ा था, ठीक है, यहाँ खड़ा था, तो उसको कौन से साइड खड़ा था, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कौन सा व्यू मिला उसको, राइट हैंड व्यू, कौन से साइड पे मिला, राइट हैंड साइड, और यहाँ पर कहाँ खड़ा है, राइट हैंड साइड पे खड़ा है, तो लेफ्ट हैंड व्यू मिला कौन से साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो पहली बार जहां भी ऑब्जर्वर खड़ा होता है उसके सामने वाला व्यू हमेशा होता है फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू के ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, टॉप व्यू, क्या होता है, टॉप व्यू। जो बच गया वो क्या होगा आपका, लेफ्ट हैंड व्यू, क्या होगा, लेफ्ट हैंड व्यू, समझा। अब ये तो हम लोग को समझ गया कि भाई ये ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, तो इसको बनाए कैसे, तो बनाते ऐसे, डस्टर ही भूल गया मैं, ठीक है, इसको बनाए कैसे तो समझो। पहली बात आपका यही क्वेश्चन लेता हूं मैं, ऐसा, ठीक है, ये क्वेश्चन लेता हूं मैं ऐसे, और फिर मुझे, मैं क्या करता हूँ, अपना ऑब्जर्वर भाई यहाँ खड़ा कर देता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर, तो मेरा ऑब्जर्वर भैया यहाँ खड़ा है, तो अब मुझे बोला गया है कि भाई इसका आपको बनाना है फ्रंट व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू और बनाना है टॉप व्यू। तो पहली बात बनाए कैसे, तो पहले आपको अपने पेज के चार टुकड़े करने हैं, ऐसे किया, अब थोड़े डिस्टेंस पे मतलब यहाँ से शुरू करना है डायग्राम बनाना और यहाँ से भी थोड़ा गैप छोड़ना है, ऐसे यहाँ से गैप, यहाँ से, यहाँ से गैप, यहाँ से, मतलब इतना हिस्सा आपको छोड़ना है ताकि आप अच्छे से, ये लाइन पे कभी नहीं बनाने का, उससे थोड़ा डिस्टेंस छोड़ने का, जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की लाइन बना दो ऐसे डॉटेड, ऐसे ऐसा ऐसे लाइन बना दो ऐसे, फिर बनाने का उसके ऊपर बनाने का, ठीक है, इस पर कभी नहीं बनाने का, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई। अब देखो मुझे क्या बोला है, तो पहले तो मैं व्यूज डिसाइड कर लूंगा कौन सा व्यू है, तो मेरा ऑब्जर्वर कौन से साइड पे खड़ा है, राइट हैंड साइड पे खड़ा है, तो इसको कौन सा व्यू मिलेगा, वो मिलेगा लेफ्ट हैंड व्यू मिलेगा, कौन से साइड पे मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा, कौन सा व्यू मिला, लेफ्ट हैंड व्यू मिला, कौन से साइड पे मिला, लेफ्ट हैंड साइड पे मिला, ठीक है। और अभी टॉप व्यू क्या होगा, ये ऑब्वियसली टॉप व्यू, जो ऑब्जर्वर मैं स्टार्टिंग में खड़ा था तो उसको सामने क्या दिखा, फ्रंट व्यू दिखा, है ना, ये फ्रंट व्यू मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड व्यू मिल गया, टॉप व्यू मिल गया, तो अब किसको किधर बनाना है वो कैसे मालूम पड़ेगा। पहली बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू मिला है वो चीज हमेशा बनेगी राइट हैंड साइड पे, कहाँ बनेगी, राइट हैंड साइड पे, मतलब समझो हमेशा इतना याद रखो, अगर आपको लेफ्ट व्यू मिला है, लेफ्ट हैंड व्यू मिला है, तो हमेशा उसको बनाना है राइट साइड पे, कहाँ बनाना है, राइट हैंड साइड, और ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, समझा। मतलब आपका जो फ्रंट व्यू है वो राइट हैंड साइड में पे मिला था ना, तो वो कहाँ बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा, कहाँ बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, इतना याद रखो, इसी थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर समझ के रखो कि आपको जो फ्रंट व्यू मिला है कहाँ मिला है, राइट हैंड साइड पे, तो कहाँ बनाओगे, लेफ्ट पे बनाओगे, मतलब ऑपोजिट समझ लो, इतना याद रखो ऑपोजिट में बनेगा वो, ठीक है, फटाक से समझने के लिए, ठीक है। तो क्या करने का, फ्रंट व्यू कहाँ मिला हम लोगों, राइट हैंड साइड पे मिला, कहाँ बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो फटाक से बना देते हैं, तो फ्रंट व्यू कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, तो फटाक से मैं बना देता हूँ, विद एज पर द डायमेंशन जो भी दिया रहेगा फटाक से बना देने का, ये सब लाइन नहीं बनाने का, ऐसे मैं बताने के लिए बनाऊँ, ये लाइन किसी और चीज़ के लिए यूज होती है, चलो मैं रबी कर देता हूँ,
रब कर देता हूँ भाई, नहीं तो आप लोग बोलोगे बनाया था। ठीक है, ये नहीं बनाने का लाइन, हैचिंग लाइन नहीं बनाने का, वो दूसरे चीज के लिए यूज होता है। तो ये इसका बन गया फ्रंट व्यू, तो यहाँ लिख देंगे भाई फ्रंट व्यू बन गया। अब मैंने क्या बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ बनाने का, लेफ्ट हैंड व्यू कहाँ बनाने का, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे मिला है तो इसको बनाने का राइट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड, तो पहले प्रोजेक्ट करने का, ऐसे प्रोजेक्शन लाइन से ऐसा प्रोजेक्ट करो। प्रोजेक्ट किया हल्के लाइन से, ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन में पहले ही बताया था प्रोजेक्शन लाइन हमेशा हल्की होती है। तो अब जो डायमेंशन है उसके हिसाब से बना देना, ऐसे बन गया। बन गया नहीं है, कौन सा व्यू बनाएंगे, ये बना आपका एल एच वी, लेफ्ट हैंड व्यू। अब टॉप व्यू कहां पर है, ये वाला टॉप व्यू है ना, हमेशा याद रखो टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे आएगा, कौन से मेथड में, फर्स्ट एंगल मेथड में। ठीक है, तो इसको इसका भी नीचे प्रोजेक्शन ले लो, ऐसे लिया, अब सीधे से बना दो ऐसे फटाक से, बन गया ना। ये मेरा ये वाला है, ये लाइन है और ये लाइन है, तो ये कौन सा व्यू हो गया आपका, टॉप व्यू। समझा, ये कब था, जब आपको क्या दिया था कि आपका ऑब्जर्वर इस तरफ खड़ा है, कौन से साइड पे खड़ा है, राइट हैंड साइड पे खड़ा है। तो आपका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा, और एल एच व्यू मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ बनेगा, राइट हैंड साइड पे बनेगा। समझा, और अभी देखो इसी का ऑपोजिट, मतलब बनाता नहीं हूं मैं, बता देता हूँ फटाक से। अगर आपका ऑब्जर्वर, अगर आपका ऑब्जर्वर अभी कहां पर खड़ा होगा, अगर आपका ऑब्जर्वर अभी यहां पर खड़ा है, ठीक है, तो क्या होता है ना कि सिर्फ पोजीशन बदलती है, किस चीज की, देखो अगर आपका ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है तो मतलब कौन से साइड पे खड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा है, तो उसको कौन सा व्यू मिलेगा, राइट हैंड व्यू मिलेगा, कौन से साइड पे मिलेगा, राइट हैंड साइड पे मिलेगा, है ना। तो अभी आपको सिर्फ क्या करना रहेगा पता है, कि आपको चेंजेस क्या रहेगी पता है, अभी दिखाता हूँ मैं, तो इतना याद रखो, अभी चेंजेस नहीं, चेंजेस क्या हो जाएगी, तो चेंजेस ये होंगी कि अगर आपका ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा था, लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा था, तो उसका फ्रंट व्यू क्या होगा, ये होगा फ्रंट व्यू, तो इसमें, और इसका राइट हैंड व्यू ये मिला ना इसको, ये वाला हिस्सा राइट हैंड व्यू मिला, राइट हैंड व्यू अगर राइट साइड पे मिला तो उसको कहाँ बनाएंगे, लेफ्ट साइड पे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, लेफ्ट साइड पे, मतलब ये हिस्सा अब आएगा कहाँ पर, लेफ्ट साइड में बनेगा, और इसका जो फ्रंट व्यू है वो कहाँ पर बनेगा, राइट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में मिला ना तो राइट साइड में बनेगा, तो फ्रंट व्यू बनाएंगे राइट साइड में, ऐसे इसका प्रोजेक्शन लेंगे ऐसे, और फिर इसका राइट हैंड व्यू बनाएंगे, राइट हैंड व्यू, राइट हैंड व्यू कौन से साइड में बना, लेफ्ट साइड में, और फ्रंट व्यू कौन से साइड में बना, राइट हैंड साइड पे, और फ्रंट व्यू के नीचे क्या आएगा उसका, टॉप व्यू, खत्म। ये क्या आ गया, टॉप व्यू। समझा, तो यही फर्क होता है, थर्ड एंगल जैसे सम में लूंगा वैसे बता दूंगा, ठीक है। अभी अपने को आगे ये सम भी करना है, तो ये सम देखते हैं हम लोग, यार किधर यार डस्टर ढूंढ रहा हूं मैं बार बार, तो अभी हम लोग अगले वीडियो में मैं सम बताऊंगा, और थर्ड एंगल व्यू जैसे मैं वो मेथड लूंगा वैसे थर्ड एंगल व्यू भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो सम देखेंगे।